बात सुनो, हमने 75 साल में क्या कर लिया इंडिया का, बताओ क्या किया? कुछ भी नहीं, 4 जंगे हुई है, हारेंगे। आज भी वहीं पे खड़ा है। उनके मोदी जो है वो बहुत अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में रोजमर्रा भूख बढ़ती जा रही है, आए दिन जो है वो हमारी GDP भी कमजोर हो रही है, इकॉनमी ग्रोथ नहीं कर रही। तो 2040 तक वो मैंड मिशन लेके जा रहे हैं चाइना, चांद के ऊपर। सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए। खाने के लिए रोटी नहीं है शाम को, हमने कश्मीर की क्या बात करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि जिस तरह से PM मोदी ने इकोनॉमिक मॉडल बनाया, वो उस तरह का इकोनॉमिक मॉडल पंजाब में नाफिज करने का इरादा रखती है। सही, पाकिस्तान भी इंडिया की तरह आगे बढ़े, पाकिस्तान में भी तरक्की। ट्रेड होनी चाहिए, हाँ, हम जो गुर्बत है वो खत्म होनी चाहिए जी। इंडिया के साथ हमें हमारी उससे जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत है। जितनी बड़ी वो माशियत है, हमें उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। इस टाइम हमें उनका फायदा लेना। पिछले 5-10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है, उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मोदी जी ने कई बार अलग अलग मौकों पर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते होने की बात कही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को भी अपने देश के अंदर जो गरीबी है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, और भारत को भी उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही बयानों को लेकर आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाए। तो आप क्या सोच रहे हैं, होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी बात सुनो, हमने 75 साल में क्या कर लिया इंडिया का, बताओ क्या किया? कुछ भी नहीं, 4 जंगे हुई है, हारेंगे। मेरे आज भी वहीं पे खड़ा है, कोई मसला नहीं हुआ। ज़ियाउल्लाह के ज़माने से हम छोटे होते थे, कश्मीर का मसला चल रहा है, ठीक है, और आज भी वहीं का वहीं है, वहीं पे शहीद हो रहे हैं सारे, वैसे के वैसे जा रहे हैं। हमें पता नहीं है क्या हुआ है कश्मीर में, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा और होना भी नहीं है। इनकी तो अपनी बातें हैं कश्मीर। अगर आपको पता, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हम 5 फरवरी को ना अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा 70 साल से। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई अमल दरामद नहीं। आपको एक और बात आज मैं बता दूँ, जम्मू कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है इंडियन के पास, वो हमसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे में टेक्नोलॉजी आ गई, वहाँ पर आप जाके निज़ाम देखें, पढ़ाई देखें, एजुकेशन देखें, हर ट्रेन चल पड़ी है अपना कश्मीर से जम्मू। जी जी बिल्कुल, मेरी बात सुनो, वो परले इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी बात छोड़े, अपनी बात करो, हम तो यहाँ खुश हैं, हम यहाँ खुश हैं, अपनी बात करो यार। हमारा फलस्तीन में, अपना इधर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल बस बहुत बुरे। क्या नहीं हो रहा, ये बात करो क्या हो रहा, ये करोगे क्या नहीं हो रहा। जब अपना घर सही करेंगे तो कश्मीर को आजाद कराएंगे। अब अपने हालात ठीक नहीं है, दूसरों की हमें जो ना फिक्र पड़ी। खाने के लिए रोटी नहीं है शाम को, हमने कश्मीर की क्या बात करनी है। खाने के लिए रोटी नहीं है, सबसे बड़ी हमारी जो इस वक्त की जो टेंशन है ना, बिल आ रहा है। बेकारी कहूँ मैं, कहा था ना, तो बेकारी क्या करेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो PM मोदी की इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इंप्रेस है, क्या लगता है आपको इस बारे में? झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठी हैं वो। मरियम नवाज ने जो कहा है कि वो PM मोदी के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यार जाहिर सी बात है, मैं खुद इंप्रेस हूँ मोदी जो हमारे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनका काफ़ी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के तरक्की के लिए जो उन्होंने काम किया है, बहुत ही मतलब जितना भी तारीफ करें कम है। मतलब उनका इकोनॉमी ये था, मोदी ने इधर लेके गया। नहीं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इंडिया में वाकई इकोनॉमी किस तरह ग्रोथ कर रही है, GDP इनके ऊपर जा रही है। इंस्पायर तो इनका होना बनता है, जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, इंडिया आबादी भी इतनी ज्यादा, भूख भी इतनी, लेकिन फिर भी ऊपर जा रहे हैं, और पाकिस्तान में रोजमर्रा भूख बढ़ती जा रही है, आए दिन जो है वो हमारी GDP भी कमजोर हो रही है, इकॉनमी ग्रोथ नहीं कर रही। तो
वो इंस्पायरेशन उनकी बिल्कुल ठीक है लेकिन वो काम नहीं कर सकती। पहली तो बात ये है कि मोदी का भी कोई इतना खास इकोनॉमी मॉडल नहीं है सर। आपको लिटरली ऐसा लग रहा है वो फिफ्थ इकोनॉमी पे आ चुके हैं, फिफ्थ पे और थर्ड पे वो आ रहे हैं। देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी और उसके साथ जब उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क और उसके उसके साथ उनका जो ग्रिप इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर विच आई एम प्लानिंग टू कम बैक टू इंदौर फॉर 2 lectures फ्रॉम द US। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट। ये 2 institutions है जिन्होंने एक एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मेरे ये जहन में है, मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूँ और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के बच्चे नहीं, डिजर्विंग बच्चे जो एपेटाइट रखते हो तरक्की की और ख्वाहिश रखते हो और मैथ और इंग्लिश में अपनी कमिटमेंट दें और टू डू समथिंग फॉर देम। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और यहाँ पर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ट्रेड होती थी तब हमको पता है कि भारत से जो सस्ती चीज़ें सब्जियां वगैरह है वो पाकिस्तान में जाती थी, जिससे कि पाकिस्तान में भी महंगाई कंट्रोल में रहती थी और वहाँ की जो गरीब आवाम है उनको सस्ती सब्जियाँ वगैरह मिल जाती थी। लेकिन जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो है ना भारत के साथ ट्रेड को बंद कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली गई और आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक गरीब आदमी जो है ना सब्जियाँ वगैरह अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी देखा है और पाकिस्तान को बनाया ही इसीलिए गया है। कई सारे लोग कहते हैं कि नफरत की बुनियाद रखी गई पाकिस्तान की और शुरू से लेकर अभी तक पाकिस्तान के नेताओं ने, पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ ही पाकिस्तान के अंदर नफरत बेची है और वो बिकती भी है, इसीलिए वो राज कर रहे हैं वहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के नेता चाहेंगे नहीं तब तक तो वो भारत के साथ रिश्ते सामान्य करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम को अगर हम भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ भड़का कर रखेंगे तो वो उनको लूटते रहेंगे। तो यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी हमको मिलते हैं जिनको ये तो पता है कि महंगाई अगर भारत के साथ ट्रेड होती है तो महंगाई पाकिस्तान में कम हो जाएगी क्योंकि सस्ती चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाएगी। बाकी आपने यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।